में प्रजातंत्र हमारे यहाँ काफ़ी मजबूत है, पुराना है, तो इस रूप में दुनिया के लोग मानते हैं और सच भी है। लेकिन अभी भी विडम्बना इस बात की है और दुख भी है कि लोकतंत्र की एक तरह से सबसे बड़ी संस्था न्यायपालिका, उसमें जो जजेज की बहाली के प्रावधान है वह बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है। लंबे अरसा के बाद इस रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोग उपस्थित हैं। अलग अलग तो मुलाकात होते रही है, बात भी होते रही है। फिर से एक बार पार्लियामेंट के सदन में पहुंचने का मुझको अवसर मिला। जो मुद्दे हमारे रहे हैं पहले से, पार्टी जिस एजेंडा पर काम करते रही है उस एजेंडा को फिर से एक बार सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। ऐसे उन मुद्दों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं, तो सड़क पर तो हमेशा चलते ही रहा है, जब मौका मिला सदन में भी, तो इस बार फिर से एक बार मौका मिला है। खास करके कुछ मुद्दे तो बिहार से संबंधित मेरी जवाबदेही भी है, क्योंकि बिहार को ही मैं रिप्रेजेंट करूंगा सदन में, तो वहाँ से संबंधित मुद्दे हैं, और कुछ मुद्दे जो देश के स्तर के हैं उनको भी बल देना है, ताकत देनी है। बिहार के संदर्भ में एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया है कि देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करना है। स्वाभाविक रूप से देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तभी शामिल होगा जब बिहार और बिहार जैसे दूसरे प्रांत हैं उनको भी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, और इस दृष्टि से बिहार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र की सरकार ने ध्यान दिया भी है। अभी जो बजट आया तीसरी बार सरकार बनने के बाद केंद्र में, उस बजट के माध्यम से बिहार में स्पेशल फोकस केंद्र की सरकार ने किया है, और इस बात के लिए हम अपनी पार्टी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। बिहार की सरकार भी अपनी जगह काम कर रही है, बहुत कुछ बिहार की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है बिहार के लिए, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहां ज़्यादा और करने की ज़रूरत है, जिसमें शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो गरीब लोगों से सीधे जुड़ा हुआ विषय है, नौजवानों के रोजगार का अवसर बिहार में, क्योंकि बिहार के नौजवानों को अभी भी नौजवान और दूसरे मजदूरी करने वाले लोगों को बिहार से बाहर अभी भी जाना पड़ रहा है। पहले के कंपैरिजन में अब कम हुआ है, लेकिन फिर भी यह समस्या भी है जिस पर भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। बिहार दूसरे कई राज्यों की तरह कृषि प्रधान राज्य है, और बिहार के बंटवारा के बाद खास करके वहाँ कृषि पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। राज्य की सरकार ने कृषि रोड मैप बनाकर वहाँ ध्यान दिया भी है, तो भारत की सरकार का ध्यान इसी तरह से और बिहार पर आगे रहे, यह मेरी जवाबदेही है कि सदन में इन सवालों को मैं उठाते रहूं। इसके साथ ही साथ देश के स्तर पे कई चीज़ें हैं जिसमें मुख्य रूप से, जिसको हमारी पार्टी ने हमेशा मुद्दा बनाया है, देश में जो न्यायपालिका है उसमें लोकतंत्र नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारा देश जाना जाता है दुनिया में
डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में प्रजातंत्र हमारे यहाँ काफ़ी मजबूत है, पुराना है, तो इस रूप में दुनिया के लोग मानते हैं और सच भी है। लेकिन अभी भी विडम्बना इस बात की है और दुख भी है कि लोकतंत्र की एक तरह से सबसे बड़ी संस्था न्यायपालिका, उसमें जो जजेज की बहाली के प्रावधान हैं वह बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है, और उसमें जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत बहुत कम लोगों को जज बनने का अवसर मिल पाता है। बाकी के लोग किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, उनके बच्चे चाहे पढ़ने में जितना भी मेरिट रखते हों, वो चाहें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएं, तो उनके लिए संभव नहीं है, दरवाज़ा बंद है। और इसका नतीजा भी है कि सामान्य तौर पे वही जज बनते हैं जिनके पहले से परिवार के रिलेशन में कोई ना कोई व्यक्ति जज हैं या बहुत पहुंच वाले हैं राजनीति के क्षेत्र में, जिनका कोई पहले से है, जो पैसे वाले हैं, उन्हीं परिवारों से लोग जज बन रहे हैं अधिकांशतः। और इसका नतीजा है कि दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, महिलाएं बहुत रेयर जज बनती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक गांव के गरीब लोगों को, जो वंचित लोग हैं न्याय से, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इस बात के लिए हमारी पार्टी ने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी खुद इस बात को लेकर उन्होंने भी चिंता प्रकट की है अपने एक्शन के माध्यम से। आज की राष्ट्रपति जी, इसके पहले वाले राष्ट्रपति, उन लोगों ने भी कई बार कई मौक़ों पर कहा है कि यह कॉलेजियम सिस्टम जो है, जिसके चलते सभी लोग जज नहीं बन पाते हैं, यह ठीक नहीं है, सब लोगों ने दुख व्यक्त किया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार में कॉलेजियम सिस्टम से अलग एक दूसरी व्यवस्था लाने का प्रयास भारत सरकार की ओर से हुआ था, सरकार ने डिसीजन लिया, पार्लियामेंट से भी डिसीजन हुआ, लेकिन फिर अंत में जाकर कोर्ट ने ही कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। तो यह भी स्थिति हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है कि पार्लियामेंट जिसको कर दे, सरकार जिसको करे, उसके बाद कोर्ट कहे कि हम नहीं मानते हैं, तो यह भी स्थिति ठीक नहीं है। तो इसको लेकर के हमारी पार्टी निरंतर पहले से आवाज़ उठाती रही है, और इस बार फिर से इसको सड़क पर तो हम लोग कर ही रहे थे, सदन में भी इसको लेकर आवाज़ उठाएंगे, और इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी पार्टी बिहार और बिहार से बाहर अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार चाहती है। और इसलिए हम सब लोगों ने अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। पिछले 9 अगस्त से बिहार में सदस्यता अभियान चल रहा है, और बाकी अब 15 सितंबर से बिहार से बाहर के राज्यों में भी सदस्यता अभियान का काम प्रारंभ होगा, और सदस्यता के माध्यम से हम बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी की पहुंच को बनाएंगे, और पूरी गोलबंदी इस रूप में हम करेंगे। इसके साथ ही साथ अब बिहार विधानसभा का चुनाव भी करीब है, अगले ही साल होना है, बहुत समय नहीं है, ये बात तो बीच में कुछ पर्व त्यौहार का ही महीना है, फिर तुरंत नया साल आ जाएगा, और नया साल में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उस दृष्टि से भी बिहार में मजबूती से 243 जगह कैसे NDA की जीत हो, इस बात को लेकर हमारी पार्टी तैयारी कर रही है, और निश्चित रूप से जो तैयारी
हो रही है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तीसरी इस बार फिर से माफ कीजिएगा इस बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और विकास की गाड़ी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में बिहार में चल रही है वह और आगे तेज गति। नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितनी सीटों पर लड़ेगी यह तो समय पर फाइनल होगा, अभी फाइनल नहीं है। अभी तैयारी तो सभी जगह सभी पार्टी के लोग करते हैं इस दृष्टि से कि जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा कोई ऐसा थोड़ी है कि वहीं हमारी तैयारी हो। गठबंधन में किसी पार्टी का उम्मीदवार तो होगा ही सब जगह, तो जहाँ हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा वहाँ उनको मदद मिलेगी हमारे संगठन से, जहाँ घटक दल में किसी और पार्टी का उम्मीदवार होगा उनको भी मदद चाहिए। तो सभी जगह तैयारी तो सभी लोग करते हैं और हमारी पार्टी भी कर रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, आपकी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी, विधानसभा चुनाव में कैसे आप देख रहे हैं, उसमें कुछ अलग फार्मूला हो गया, वही फार्मूला उसी रेशियो में दिया जाए? नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है, और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है, तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। प्रोफेसर साहब, एक सवाल है, देश के बाहर एक ही चर्चा हो रही है विदेश की धरती पे, भारत में भूखमरी बहुत है, आतंकवाद बहुत है, राष्ट्र कितना उचित है? यह तो उचित नहीं है, देश से बाहर तो हम सभी एक ही हैं, देश से बाहर कोई पार्टी नहीं होती है, देश से बाहर कोई पक्ष विपक्ष भी नहीं होता है, देश के बाहर तो हम सब एक हैं, वो कहीं से भी इस तरह की बात हो तो उचित नहीं है। कुशवाहा जी, आपने कहा, दो सवाल है मेरा जी, आपने पूरा, लेकिन आपको लगता है कि आपकी सीट पर आपको पूरा समर्थन मिला एनडीए सहयोगियों का? और दूसरा सवाल ये है कि अभी ममता बनर्जी ने कहा है कि आज ही का जो इंसिडेंट हुआ, रेप की घटना हुई, उसमें जो मुख्य आरोपी वो बिहार का है, और उन्होंने कहा है कि बिहार से आने वाले लोगों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। वो संजय रॉय नहीं, संजय राय है, राय है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। नहीं देखिए, एक तो जो पहला सवाल आपका है, आपने खुद ही कहा कि बात पुरानी हो गई, पुरानी बात को अब फिर से सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं, उस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें हमने जो कहा कि अनुभव पुराना है, उस अनुभव का लाभ लेते हुए आगे करेक्शन होगा, इतना काफ़ी है आपके पहला सवाल के उत्तर के लिए। और देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी राज्य का हो, इस तरह के मामला में या किसी मामला में अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, लेकिन कोई घटना हो जाए तो हम बंगाल को दोष देने लगे, हम किसी और स्टेट को दोष देने लगे, वहाँ की घटना तो पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, तो इसलिए ऐसा बयान उनका देना कहीं से उचित नहीं है, बिल्कुल गलत बयान है उनका। राहुल गांधी कहते हैं कि किस तरह से पहले लोग बीजेपी से डरते थे, मोदी से डरते थे, लोकसभा इलेक्शंस के बाद अब कहीं पे भी कोई डरता नहीं है और ये डेमोक्रेसी का पार है, अगेन विदेश में जाकर इस तरह से बात करना, आप किस तरह से? नहीं देखिए, डरने की बात न पहले थी न आज है, कोई व्यक्ति क्यों किसी से डरेगा, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी देश में जाकर इस तरह की बात करना यह ठीक नहीं है। आपस की बात आपस में हो, पक्ष विपक्ष जहाँ अपनी बात रखने की जगह है वहाँ लोग रखते ही हैं, पार्लियामेंट में कटु से कटु बात कुछ भी कहना हो तो कहना चाहिए, लेकिन विदेश में जाकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उपेंद्र जी, एक पीछे से सवाल है, आप ओबीसी समाज से आते हैं बिहार के भीतर, कुशवाहा समाज के भी बड़े आप नेता हैं, और वहाँ पे जो स्थितियाँ लगातार राजनीतिक बिहार के अंदर बन रही हैं, उसको देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या ये माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री के रूप में जो एक प्रमुख चेहरा होंगे? नहीं नहीं देखिए, एनडीए में तो पहले से घोषित है कि मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होंगे, इसलिए यह सवाल कहाँ उठता है। उपेंद्र जी, मेरा सवाल है, दो सवाल है, एक जमीन सर्वे को लेकर जो बिहार में चल रहा है और इसको लेकर जो जनता जगह जगह दौड़ रही है और परेशानी लोगों को जो झेलना पड़ रहा है,
इसको लेकर सवाल, और इसी में भी है कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, और इन सबके बीच नीतीश कुमार का एक बयान आता है कि आप हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे, जो भेंट मुलाकात का दौर चलता है, और इसके बाद बयान आता है, तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आया है कि जब संकट में रहते हैं तो पैर पकड़ लेते हैं। देखिए, जमीन सर्वे वाली जो बात है, तो बार बार आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आपको जो कुछ भी उसकी प्रक्रिया है, जो जानकारी देनी है, आप खुद से दीजिए। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अभी गलत हो जाएगा तो उसके चलते बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्मूथली, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जितनी जानकारी उनके पास अपनी ज़मीन के बारे में है उतनी जानकारी दें, नहीं भी कोई जानकारी होती है और वास्तव में ज़मीन उनकी है तो उनसे कोई ज़मीन छीन नहीं लेगा, ये तो पहले ही से उसमें है। और क्या बताएं, देखिए नीतीश जी का बयान अब एक तो कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों से भी पूछते रहते हैं कि क्या है, कहीं से अब डाउट करने जैसा नहीं है, गलत अर्थ लगा लेते हैं लोग और इसलिए मीडिया में भी कई बार विश्लेषण होने लगता है, इधर उधर अब प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है, अब तो उनसे हमने आग्रह भी किया है, फिर आज आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम नहीं जाएंगे, आग्रह उनसे निवेदन है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सच यही है 100% से ज़्यादा कि एनडीए वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एकजुट है, एकजुट रहेगा, एकजुटता के साथ चुनाव भी लड़ेगा, एकजुटता के साथ सरकार भी बनाएगा। थैंक यू सर, चलिए बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो फॉलोड बाय लंच है, तो कृपा करके आप सब लोग, हाँ पूछ लीजिए। सब कैटेगराइजेशन का मामला चल रहा है, क्रिमिनल तो सरकार ने कहा कि नहीं, तो आपका क्या स्टैंड है उसका? सब नहीं, देखिए सब कैटेगरी वाली बात जो है, इसमें तो कोर्ट ने भी कहा है कि कोई स्टेट चाहे तो अपने यहाँ स्टडी करके एनालिसिस करके देख सकता है, और उसमें अगर कुछ खास जात के लोगों ने ज़्यादा हिस्सा ले लिया और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिला तो सब कैटेगरी होना चाहिए। तो इस विश्लेषण के आधार पर कोई स्टेट अगर उस निष्कर्ष पर पहुंचता है तो सब कैटेगरी बुरा नहीं है, सब कैटेगरी होना चाहिए। हाँ, क्रीमी लेयर तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर तो एससी एसटी में, क्या ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर लगा हुआ है वह भी ठीक नहीं है, तो क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं, कास्ट सेंसस का जहाँ तक सवाल है, बिहार से इसकी शुरुआत हुई है और सब लोगों को याद होना चाहिए कि बिहार विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित किया गया था तो उसमें सभी पार्टी के लोग बीजेपी सहित सब ने समर्थन किया था। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में डेलीगेशन आया था प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कि कास्ट सेंसस हो, तो उसमें बीजेपी का भी डेलीगेट शामिल था। तो बिहार में तो सर्वसम्मत है और हमारी पार्टी भी है इस राय की कि कास्ट सेंसस होना चाहिए देश के स्तर पर। आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से उठाएंगे, हमारी पार्टी से मान्यता की है कि कास्ट सेंसस देश में होना चाहिए। देखिए देश की शिक्षा स्वास्थ्य की भी हम बात करते हैं, उनका उत्थान जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले लोग ही उसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार हैं। राहुल जी जो बोलते हैं तो ज़्यादा जिम्मेवार तो वही लोग हैं,
उनको ही मौका मिला, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आज जो कुछ भी बोल रहे हैं एससी एसटी के बारे में या ओबीसी के बारे में रोज बोल रहे हैं, सिर्फ अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बोल रहे हैं, बाकी उनके हित से उनका कोई मतलब नहीं है। तो राजनीति के लिए बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनको तो खुद प्रायश्चित पहले करना चाहिए कि उनको मौका मिला तो उन्होंने क्या किया। आज की सरकार तो कर रही है लेकिन उन्होंने क्या किया। हटाने कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि आरक्षण हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो राहुल जी बाहर जाकर इस तरह की बात करते हैं कि मौका आएगा तो देखेंगे आरक्षण हटाने के बारे में, उनको ही बताना चाहिए कि ये बात यही बिहार देश में बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देश में तो काफ़ी उसके पक्ष में बात करते हैं और बाहर जाकर कुछ और बोलते हैं। जुडिशियरी में हमने कहा कि जुडिशियरी में सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है, कॉलेजियम को बदल करके जो हम चाहते हैं कि नई व्यवस्था हो उसमें इतना करने की ज़रूरत है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है पार्टी की ओर से, कि जिस तरह से एसपी कलेक्टर को बहाल करते हैं, खुली प्रतियोगिता होती है, हर कोई जो मेरिट रखने वाला योग्यता उस लायक रखने वाला है उस परीक्षा में भाग लेता है, और जो कम्पीट करता है चुना जाता है वो एसपी कलेक्टर बन जाता है, वो किसी जात का हो किसी धर्म का हो, जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए भी होनी चाहिए, खुली प्रतियोगिता हो, उसमें जो भी एलिजिबल हो बैठे कम्पीट करे बन जाए। नहीं, इसमें हम तो एक तो पब्लिक को अवेयर करेंगे सदन के माध्यम से सदन के बाहर, और दबाव बनाएंगे जुडिशियरी पर ही, सरकार ने तो किया उन्होंने नहीं माना, तो हम हर तरह से चाहेंगे जनमत बना करके आप लोगों के माध्यम से जहां भी जैसे भी संभव हो कि उनके ऊपर दबाव बने कोर्ट के ऊपर जो लोग हैं। देखिए सच में जो जज लोग हैं अपना उत्तराधिकारी बहाल करते हैं, जज नहीं बहाल करते हैं, तो उत्तराधिकारी बहाल करने की छूट हमारा संविधान नहीं देता है जिस काम को वो लोग कर रहे हैं। संविधान की रक्षा करने की सबसे बड़ी जवाबदेही उन्हीं के ऊपर है, लेकिन वहाँ संविधान की रक्षा नहीं हो रही है।